हेलो एवरीवन, आई एम ऋचा गौड फ्रॉम क्विक मैथ्स एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3. वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. फर्स्ट डिवीजन इज 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5. यहाँ हम देखेंगे कि अगर 10x माइनस 25 बाय 5, हमें 5 को नीचे से खत्म करना है, कोशिश करनी है कि 5 यहाँ से कैंसिल हो जाए. कैंसिल कैसे करेंगे, ऊपर से कॉमन लेंगे. कॉमन क्या आ सकता है, ये है 2 इंटू 5 और ये है 5 इंटू 5. 25 इज 5 इंटू 5, 10 इज 2 इंटू 5, तो 5 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 5 अपॉन 5. तो 5 5 कैंसिल, तो आंसर इज 2x माइनस 5. इट इज द आंसर. सिंपल. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है हमारे पास 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5. सिमिलरली ऐसे केसेस में भी हम क्या करेंगे, अगर हम नीचे नहीं भी फोकस करेंगे तो ऊपर से जो कॉमन आता है सिंपली वो निकालो. ऊपर से कॉमन वही आएगा जो भी फर्स्ट पार्ट में आया था. क्या 5 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस 5, क्योंकि ये क्या था, 2 इंटू 5 10, ये था 5 इंटू 5 25. तो नीचे क्या आ गया, 2x माइनस 5. अब ये कैंसिल हो जाएगा, पहले हमारा क्या था, मोनोमियल कैंसिल हो रहा था, अब बाइनोमियल कैंसिल हो रहा है. क्वेश्चन इज सेम, तो आंसर क्या आया हमारे पास, 5. सो द आंसर इज 5 इन द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 10y 6y प्लस 21 डिवाइड बाय 5 2y प्लस 7. अब जिस केस में नीचे मोनोमियल ना हो बल्कि पॉलिनोमियल हो, मतलब बायनोमियल हो या एक्स्ट्रा हो उससे, उस केस में आपने सिंपली जो कॉमन आता है ना बेस्ट, उतना कॉमन लेना है न्यूमरेटर से. देखिए सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 10y तो ऑलरेडी है, और कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 6 है और ये 21 है, तो ये हो गया 3 7 21, ये माइंड में ही आपको करना है, और ये हो गया 2 3 6, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है इसका मतलब. तो यहाँ से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई लगा रही हूँ यहाँ में, यहाँ से 3 और कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में से. जैसे ही 3 कॉमन लिया, शुरू में रह गया हमारे पास फर्स्ट टर्म रहेगी 2y और यहाँ रह गया 7. देखिए आंसर आ गया, अब कैसे, 5 मल्टीप्लाई 2y बाय 7, ये डिनोमिनेटर में है तो ये कट रहा है, 2y बाय 7 2y बाय 7 कंप्लीटली कैंसिल हो गया. नाउ 5 1 द और 5 2 द, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2y इंटू 3, तो आंसर आ गया 6y. आंसर इज 6y. तो आपने क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल जितना कॉमन ऊपर से निकलता है ब्रैकेट्स में से उतना कॉमन निकालिए, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे ऐसे आपके आंसर्स आएंगे जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे. सो दिस इज द थर्ड पार्ट. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 9x² y² 3z माइनस 24 डिवाइड बाय 27xyz-8. पहले कुछ भी कैंसिल करने से पहले हम कोशिश करेंगे ऊपर ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकालें, बाद में हम इकट्ठा कैंसिल करेंगे सबको. 9 यहां दिया हुआ है x² y² एज इट इज, मल्टीप्लाई 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 8 3 8 द 24, तो यहां भी 3 है इस टर्म में, तो 3 ले लिया कॉमन. This is 3 आ गया कॉमन हमारा यहाँ पे, तो z माइनस 8. नाउ अब करेंगे नीचे, नीचे है हमारे पास 27xy और z माइनस 8. अब करते हैं कैंसिल. सबसे पहले हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैंसिल करेंगे. अब देखिए 3 9 द 27, तो ये हमारा 27 हो गया. अब क्या बचा, x² y² नीचे xy, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए x² बाय x मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर बाय वाई, ये लिख सकते हैं. सिमिलरली इधर भी हम क्या लगा देंगे, एक्सपोनेंट का सेकेंड रो, एक्स की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर विल बी, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड लो. सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ सेकेंड लो ऑफ एक्सपोनेंट, ये हम लगा लेंगे. तो सेकेंड लो एक्सपोनेंट का लगाएंगे तो ये आ जाएगा वाई की पावर भी आ जाएगी 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो एक्स वाई. दिस इज द आंसर. तो सेकेंड लॉ कहता है कि अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर्स उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ. नाउ कम टू द फिफ्थ. फिफ्थ इज 96 ABC
यहाँ आएगा 3a-12 5b-30 अपॉन नीचे है 144। तो देखते नेक्स्ट पे कर सकते हैं अगर स्पेस है तो, बिल्कुल नेक्स्ट पे हम यहाँ करते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे ताकि क्लियर समझ आए, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बड़ा है काफी। 96abc 3a-12 5b-30 अपॉन 144 a-4 एंड b-6। पहले कुछ भी कैंसिल करने से पहले हम ब्रैकेट्स में से ऊपर से क्या लेंगे, कॉमन, बाद में देखते हैं क्या कैंसिल होता है। ए बी सी एज इट इज है, नाउ मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में देखो 3a है और 12 है, 12 का मतलब 3 4 का, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आते ही यहाँ क्या रह जाएगा, a फर्स्ट टर्म में रहेगा, a सेकेंड में रहेगा 4, ठीक है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई लगाते रहिए जहां भी आप सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में देखो, यहाँ इस वाले सेकेंड में 5b-30 को लिख सकते हैं 5 6 द, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, 5 लो कॉमन। पहले वाले में क्या रह गया, खाली b, और सेकेंड टर्म में सिर्फ 6 रह गया क्योंकि 5 6 द है, 5 कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे 44, फिर a-4 और b-6। देखिए इससे क्या हेल्प हुई, ये डायरेक्ट कट गए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हम देखेंगे और क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे एक देखिए 144 है, ये 144 हम कर सकते हैं इसको 3 से कैंसिल, 12 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 3 से नहीं करते, 12 से करते हैं। 12 नहीं, 396 है तो चलो ठीक है, फिर हम 3 से ही करते हैं। 3 1 द 3 4 द 12 24 3 8 द, नाउ 6 से करते हैं, 6 1 द 6 6 द 36 6 8 द 8 2 द, ये आ गया हमारे पास। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर रह गया 2 into 5, 5 भी रहता है यहाँ, 5 भी था, तो 2 into 5 साथ में आ गया abc, तो आंसर इज 10abc। आंसर क्या आ गया, 10abc। तो कुछ नहीं किया हमने, न्यूमेरिकल कोफिशियंट आपस में कैंसिल किए जितने मैक्सिमम हो सकते थे, और न्यूमरेटर में आंसर आ गया 10abc। सो वी हैव कंप्लीटेड द 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।